अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 10 मिनट में बनाई ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार यूनिक फ्लेवर वाला हैदराबादी फेमस हरी मिर्ची का तला हुआ गोश्त। इसे बनाने में हमें सिर्फ थोड़े ही इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, लेकिन इसका टेस्ट अलग ही होता है, बहुत खुशबूदार। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। हरी मिर्च का गोश्त बनाना शुरू करते हैं। हैदराबादी स्टाइल हरी मिर्च का तला हुआ गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मुट्ठी धनिया यानी कोथिमीर, 2 मुट्ठी पुदीना, 4 से 5 हरी मिर्च। इन सभी को अच्छे से धो के पीस लें, दरदरा सा पीसिए। पिसा हुआ हरा मसाला रेडी है। अब एक प्रेशर कुकर में 400 ग्राम बोनलेस मटन यानी बिना हड्डी वाला गोश्त डाल दें। आप चाहें तो विद बोन यानी हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। पीसेस देखिए इस तरह से थोड़े से छोटे साइज में ही कट कर लें। इसमें हरा पिसा हुआ पेस्ट डाल दें, 5 टीस्पून दही, थोड़ी सी हल्दी डालिए 1/2 टीस्पून, 3 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून नमक, 1 ग्लास भर के पानी डाल दें, मिक्स कर लें। के ऊपर हीट बंद कर दें, सीटी लगा दें। हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने के बाद फ्लेम को लो पे रख दें 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं, गोश्त हमारा गल गया है। अब इसे सुखा लें, फ्लेम को हाई पे रख के सुखाते जाइए। याद रखिए इसमें गोश्त बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गलाना है, अगर आप ज़्यादा सॉफ्ट गला देंगे फ्राई करते वक्त टूट जाएगा। देखिए बस इतना ड्राई काफ़ी है। एक पैन में 1/2 कप तेल गरम कर लें और ये गोश्त इसमें डाल दें। फ्राई करते जाइए, तेल हमें इसमें ज्यादा चाहिए। आखिर में इसमें हमें थोड़ा सा नींबू का रस डालना है, 3 हरी मिर्च और थोड़े से करी पत्ता। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई करते जाइए। ये तो अच्छे से फ्राई हो चुका है, मज़ेदार हरी मिर्च का गोश्त हमारा रेडी है। बहुत मज़े का बनता है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। है ना बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी। इसी के साथ साथ कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और बहुत टेस्टी बनती है, इसकी खुशबू के तो क्या ही कहने। ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल कुक विद फैम ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल भी सेलेक्ट कर लें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कॉमेंट भी करें।